नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम तीन मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे और तीनों मुद्दे भारत की बदलती तस्वीर की तरफ, भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति की बदलती तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। किस तरह से कुछ लोगों के सुर बदले हैं, कुछ लोगों ने सुर में सुर मिलाए हैं और कुछ काम इस तरह के हुए हैं जिसमें कि जो मौजूदा सरकार है वो जो कह रही है उसका असर भी दिखाई दे रहा है, काम भी किया जा रहा है। ये तीन मुद्दे आज के इस प्रोग्राम में हैं। पहला मुद्दा हम टेकअप करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका जो सरकारी आवास था उसका अब नाम बदल दिया गया है। नाम ही नहीं, उसकी पूरी फिजा बदल दी गई है और उसका जिस तरह से एक टैग लगा हुआ था एक परिवार विशेष का, वंशवादी परंपराओं का, उससे भी अब उसको दूर किया जा रहा है। क्या कहानी है पूरी और इस सरकारी आवास का क्या इतिहास है, आज इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर मौजूदा सरकार ने आज़ादी की पूर्व संध्या के ऊपर एक बहुत अहम फैसला किया। अब तीन दिन बाद ये चर्चा में क्यों आया है, इसका कारण बना है राहुल गांधी का एक बयान, जो कि अपने आप को नेहरू गांधी की विरासत से, नेहरू गांधी जो सरनेम है उसकी लेगेसी का उत्तराधिकारी मानते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आज के प्रोग्राम में लेंगे। और दूसरा एक खबर है जिसमें कि गुलाम नबी आज़ाद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस्लाम धर्म बहुत नई चीज़ है, सनातन जो है, हिंदू जो धर्म है, वो बहुत पुराना है। क्या पूरा मामला है, क्या बयान है पूरा, ये आज आपके समक्ष रखेंगे। और साथ ही ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने रामकथा में पहुंचकर क्या कुछ कहा है, ये आज के प्रोग्राम के हमारे अहम हिस्से हैं। तो पहला मुद्दा टेकअप कर रहे हैं, नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी रख दिया गया है। पहले इसका जो नाम था वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था। चूंकि प्रधानमंत्री नेहरू इस तीन मूर्ति भवन में 16 साल तक लगातार निवास करते रहे और बाद में चूंकि कमान इंदिरा गांधी के पास आ गई, उनकी बेटी के पास, तो फिर ये पूरा का पूरा जो मामला था वो एक परिवार के पास, परिवार की एक प्रॉपर्टी भर बन के रह गया। 30 एकड़ में फैला हुआ ये दिल्ली के इलाके की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा बंगला है ये। 30 एकड़ जमीन में ये बंगला बना हुआ है जिसमें नेहरू जी रहते थे और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए जो सारा ऑफिशियल काम भी और मिलने जुलने का काम भी, डेलीगेट से मिलने का काम भी लगभग इसी बंगले में किया करते थे। बाकी प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो एक अलग बात है, लेकिन इस बंगले की बहुत इम्पोर्टेंस उस जमाने में, नेहरू जी के ज़माने में रही। और इस बंगले की यदि हम और थोड़ी सी डिटेलिंग दें तो इस बंगले को ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ब्रिटिश जो सेना प्रमुख यहाँ भारत के लिए थे उनका ये बंगला था और यह फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम से कहा जाता था। फ्लैग स्टाफ हाउस में इंडिया में जो सेना के चीफ थे ब्रिटिश आर्मी के, वो रहा करते थे। 1911 में बना हुआ ये बंगला है जो पूरी ब्रिटिश शानो शौकत वाला बंगला है। इसमें फ्रेंच और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है और इस बंगले को यदि आप देखें तो दंग रह जाएं आप, ऐसा बंगला है, इतना भव्य बंगला है। और नेहरू जी की नज़र संभवतः इस बंगले पर पहले से थी। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो गवर्नर हाउस में रहा करते थे, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने सलाह मशविरा किया और उन्होंने इस हाउस में शिफ्ट होने की बात कही। लेकिन पंडित नेहरू की चूंकि इस पर नज़र थी और उनको ये लगता था कि वो तो गवर्नर हाउस में जा नहीं पाएंगे और उन्हें तो लोकतांत्रिक सरकार की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा, तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि अब आप ज़्यादा दिन तो भारत में हैं नहीं, इसलिए अपने आवास को चेंज क्यों कर रहे हैं। असल में महात्मा गांधी ने माउंटबेटन को कहा था कि अब आप गवर्नर हाउस में ना रहें और भारत चूंकि आज़ाद हो चुका है तो थोड़ा सा फीलिंग लोगों के मन में आनी चाहिए कि हम आज़ाद हैं और हमारे ऊपर गवर्नर जनरल उस तरह से नहीं है जैसे पहले था। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि आप तो वहीं रहें और ये जो तीन मूर्ति है इस बंगले में आप ना आए, क्योंकि आपको आवास बदलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप वहीं बने रहें। और पंडित नेहरू ने इमीडिएटली लॉर्ड माउंटबेटन से ये बात करने के बाद उनको इस बात के लिए मनाया
कि आपका जो सेनानायक यहाँ रहते हैं इनसे आप बंगला खाली करा लीजिए, इनको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और ये बंगला प्रधानमंत्री का बंगला होगा। तो इस तरह से ये 1947 में पंडित नेहरू के उसमें आ गया बंगला, वहीं फिर पंडित नेहरू रहे। और अब तक की यदि इतिहास की बात करें भारत के आज़ाद भारत की, तो पंडित नेहरू सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। उस समय पंडित नेहरू के साथ इंदिरा गांधी और उनका परिवार भी वहाँ रहता था, उसमें फिरोज गांधी नहीं थे लेकिन संजय और राजीव गांधी जो थे वो वहाँ साथ रहते थे। और बाद में 1964 में जब ये बंगला एक तरह से नेहरू विहीन हो गया, लाल बहादुर शास्त्री उसमें शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसमें नया पैंतरा खेला। इंदिरा गांधी को लगा कि ये मामला कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए और मेरे पिता का यानी हमारा जो बंगला है वो असल में उस बंगले को अपना मानती थी, और लाल बहादुर शास्त्री जब पीएम बने दोनों में टसल भी खूब थी, लेकिन टसल के बावजूद लाल बहादुर शास्त्री पीएम बन गए क्योंकि सीनियर थे। लेकिन ज़्यादा दिन वो कहानी चली नहीं, लेकिन बहरहाल जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो इंदिरा जी को कहीं से पता लगा कि वो तीन मूर्ति के इस बंगले में आना चाहते हैं, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को लेटर लिखा और दबाव बनाया कि भाई ये जो बंगला है मेरे पिता का बंगला है इसको आप नेहरू मेमोरियल और लाइब्रेरी के नाम से क्यों नहीं कर देते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री पशुपस्म कर गए क्योंकि ये प्रस्ताव ऐसा था कि उसको वो दरकिनार नहीं कर सकते, उसकी अवहेलना नहीं हो सकती। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री एक बार पूरा मूड बना चुके थे कि वो तीन मूर्ति लेन में जाएंगे, लेकिन इंदिरा जी चूँकि मंत्रिमंडल में भी शामिल थी तो फिर कैबिनेट का एक फैसला हुआ जिसमें इसको मेमोरियल बनाया गया। और अब तक की यदि हम बात करें तो ये जो बंगला है ये गांधी परिवार के ही नियंत्रण में रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई तब एक बार जरूर कोशिश हुई थी, उसमें कोशिश में जो लीड किया वो मेनका गांधी ने किया, क्योंकि मेनका गांधी भी ये कहती थी कि भाई हमारा अधिकार भी है उस बंगले पर, तो अकेली सोनिया गांधी कैसे हो सकती हैं। उस वक्त सोनिया गांधी उसकी चेयरपर्सन थी नेहरू मेमोरियल और लाइब्रेरी की। तो ये जो संग्रहालय है और ये जो लाइब्रेरी है ये वैसे तो देखने में उस जमाने में बहुत अच्छे से प्रयास किया, और इसकी देखरेख जो है बेसिकली संस्कृति मंत्रालय के अधीन होती रही है, और लेकिन ये इनडायरेक्टली जो है ट्रस्ट जो है वो सोनिया गांधी के उसमें रहा, पहले इंदिरा गांधी के पास रहा बाद में फिर सोनिया गांधी के पास आ गया। लेकिन बाद में अटल जी की सरकार ने कुछ प्रयत्न किए लेकिन सोनिया गांधी के साथ एक समझौते में जाना पड़ा, और वो समझौता पार्लियामेंट की जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है तो फ्लोर मैनेजमेंट की शिकार होकर फिर मेनका गांधी को सिर्फ एक तरह से हटाया गया मंत्रालय से, दूसरा मंत्रालय दिया गया, और वो लंबी एक कहानी चली जाएगी। लेकिन असल में ये 14 अगस्त की शाम यानी पूर्व संध्या के ऊपर हम जिसको कहते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब इस बंगले का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय होगा न कि नेहरू संग्रहालय। तो ये बड़ा एक वंशवाद के ऊपर एक तरह से आप समझ लीजिए चोट है। और इसमें जो फर्क किया गया है वो ये किया गया है कि इसमें अकेले पंडित नेहरू का ही योगदान नहीं देखा जाएगा, इसमें देखा यह जाएगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन सब का उसमें संग्रह रहेगा कि उन्होंने क्या क्या किया, उनकी जो यादें हैं उनकी जो स्मृतियां हैं उनको जिस तरह से कई चीज़ें हैं जो उनके जीवन की उपलब्धियां हैं वो उसमें दिखाई जाएंगी, कुछ बुक्स हैं जो हमारे प्रधानमंत्रियों ने लिखी हैं उनको भी। तो इस तरह का एक संग्रहालय होगा जिसमें भारत के अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब का योगदान और उपलब्धियां इस संग्रहालय में म्यूजियम में रहेंगी। तो नाम बदल दिया गया है। अब बात आती है कि ये अचानक से चर्चा का विषय क्यों बना, क्योंकि 14 अगस्त को जब नाम बदला गया उस वक्त इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज पत्रकारों ने राहुल गांधी से ये सवाल किया कि नेहरू मेमोरियल का जो नाम बदला गया है इस पर आप क्या कहेंगे। तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि पंडित नेहरू जो हैं वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं न कि नाम के लिए, उन्होंने ये बात कही। तो बात तो ठीक है, यदि पंडित नेहरू का नाम इतना बड़ा है तो एक संग्रहालय में क्यों समेटा जा रहा है, भारत के और भी प्रधानमंत्री हैं, और संग्रहालय किसी को बनाना है तो फिर प्राइवेट ट्रस्ट भी बना सकता है। लेकिन 30 एकड़ की दिल्ली जैसी जगह पर एक प्रॉपर्टी, उसके ऊपर एक परिवार का एक ट्रस्ट कायम हो जाए, उनका ही कब्जा रहे, वही उसकी देखरेख करें, वही सार संभाल करें, उन्हीं की चले,
वो ही जिसको रखें वो उसको रखें, तो एक बहुत बड़ा मामला है ये। देश की एक इतनी बड़ी संपत्ति एक परिवार के उसमें चली जाए, ये भी ठीक नहीं। तो राहुल गांधी का ये तो ठीक है कहना कि पंडित नेहरू का अपना योगदान है, उनका बड़ा नाम है, उन्होंने काम भी किए हैं, लेकिन उन कामों की भी अब समीक्षा होने लग गई कि उस जमाने में किस तरह के काम हुए, किस तरह से सत्ता स्थानांतरित हुई, क्या वो आज़ादी थी या कि पावर ट्रांसफर था। ये बातें आजकल बहुत है, सोशल मीडिया का ज़माना है और बुक्स भी लोग खंगाल रहे हैं, पुरानी पुराने आर्काइव्स को भी देख रहे हैं। तो ये सारा जो खेल चल रहा है इसमें ये बात जरूर सामने आ रही है कि कुछ ना कुछ झोलझाल तो था उस वक्त की। यदि हम पुस्तकें पढ़ें, उस वक्त के बयान यदि देखें, उस वक्त की ब्रिटिश पार्लियामेंट के यदि एक्शंस देखें, अब ठीक है ये जो नेता लगे हुए थे, इनका जो ध्येय था, उद्देश्य था कि भाई किसी भी तरह से ये पावर हमारे हाथ में आ जाए, तो उसको आप स्वाधीनता कह लें, आज़ादी कह लें या पावर ट्रांसफर कह लें, तो ये तो एक नाम की बात है। लेकिन कानून सिस्टम, बंगले, ब्यूरोक्रेसी, वही तमगे, वही लाल बत्तियां, वही सायरन, वही रोड जाम, तो लोग कहते भी हैं देसी भाषा में, लोग कहते भी हैं कि भाई गोरे अंग्रेज के बजाय ये भूरे अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज आ गए हैं, बाकी बदला तो कुछ नहीं, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही हाई कोर्ट है, वही प्रणालियां हैं। देश के लोग, ये बात है कि देश के लोग जो हैं उनके ऊपर अब कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो है वो सत्ताधीश नहीं है, बस इतना सा फर्क है, बाकी सिस्टम वो का वो है, वैसे के वैसे अपॉइंटमेंट्स हैं, वैसे के वैसे परीक्षाएं हैं। अंग्रेज के ज़माने में भी परीक्षाएं थी, आईसीएस की परीक्षा थी, आज आईएएस की परीक्षा है। ब्रिटेन में तो फिर भी सिविल सर्वेंट कहते हैं आईसीएस को, आईसीएस नहीं कहते उन्हें, सिविल सर्वेंट कहते हैं, हमारे यहाँ अभी भी आईएएस ऑफिसर कहलाते हैं। तो सिस्टम में क्या बदला, परीक्षाएं वैसी हैं जो ब्रिटिश हुकूमत की थी, वैसा ही लोगों की पढ़ाई होती है। पहले ये जरूर था कि 60-65 देशों में बिना वीजा के चले जाते थे भारतीय, इंग्लैंड में भी प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, इंग्लैंड में बस भी सकते थे, क्योंकि नागरिकता में कोई फर्क था नहीं। बहुत सारे लोग हैं भारत के जो उस वक्त वहाँ अपनी प्रॉपर्टी खरीद के वहीं रह गए, आज उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी, तो ये फर्क जरूर है, आज नहीं है। आज आपको ब्रिटेन का या यूरोप के विकसित देश हैं उनका वीज़ा चाहिए, अमेरिका का वीज़ा चाहिए, तो बहुत लाइन है, लंबी लाइन है, देते ही नहीं हो, पहले ये जरूर था। दूसरा ये जरूर है कि ये जो लोग हमारे देशज लोग हैं इनका जो जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब बात ये भी है कि यदि 75 साल के इस अरसे में पूरे यदि विश्व की हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज सब जगह बढ़ी, पहले जिस तरह के अवसर थे उस तरह के अवसर अब एक डिफरेंट डायमेंशन है, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, जॉब्स भी बढ़ गए हैं और सिस्टम का फैलाव भी बढ़ गया है। पैसा जिसको कहते हैं पूरे विश्व को में यदि हम देखें तो पूरा विश्व एक तरह की ग्लोबल इकोनॉमी की तरह सामने आ रहा है, मार्केट इकोनॉमी है, ग्लोबल विलेज की अवधारणा है, आप कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, कहीं से भी माल मंगवा सकते हैं, बहुत आसानी है, पहले इतनी आसानी नहीं थी। आज आपको और हमको पता है कि ये चीज़ वहाँ से सस्ती मिल सकती है, वहाँ से आप इम्पोर्ट कर लेते हैं, पहले रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत रिस्क थी, बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ से व्यापार कारोबार हो ही नहीं सकता था। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज आज भी हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर आज भी उस तरह का नहीं है जहाँ से आप कारोबार कर सकें, व्यापारियों का किडनैप हो जाता है, लोगों का किडनैप हो जाता है, लोगों की अता पता ही नहीं होता, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं, साउथ अमेरिका की कंट्रीज ऐसे हैं। तो जो समय बीता है उस समय में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन ये जो मेमोरियल की बात चल रही है जिसमें बहुत लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई है और ये आरोप लगाया जा रहा है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में महिला कांग्रेस के एक सम्मेलन में बोलते हुए भी इसको उठाया है कि जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को ये किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैर लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, नाम बदल रही है, पंडित नेहरू के कंट्रीब्यूशन को भुलाया जा रहा है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। लेकिन बात यह है कि फिलहाल जो सरकार है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो वंशवाद के ऊपर बहुत बोलते हैं। अभी लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने बोला कि वंशवाद, भ्रष्टाचार, ये ऐसी चीज़ें हैं, तुष्टिकरण, इनको हटाना पड़ेगा। तो ये जो कहानी है नेहरू मेमोरियल की, ये भी एक वंशवाद का ही प्रतीक है कि 30 एकड़ की सरकारी प्रॉपर्टी में जो कि एक कोई और बड़े काम आ सकती है चीज़, तो उस तरह का एक फैसला है।
अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इसको कांग्रेस किस तरह से ओढ़ ले पाएगी, डाइजेस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, पहले तो नहीं कर रही थी। अब नेशनल हेराल्ड का भी मामला है, नेशनल हेराल्ड को भी नेहरू जी की प्रॉपर्टी मान लिया गया, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का न्यूज़पेपर था, अब बाद में फिर उसमें शेयर्स में ट्रांसफर हो गए, उसका भी केस चल रहा है ईडी में, ईडी भी जांच कर रही है उसकी, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है। और आज की यदि हम बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी कोर्ट में भी चली गई है, उसमें जमानत का विरोध किया जाएगा ईडी की तरफ से कि भैया जो जमानत आपने दी है रॉबर्ट वाड्रा जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये अब सरकार का वंशवाद के ऊपर जिस तरह की बयानबाजी है, जिस तरह का बात है, अब ये बात अलग है कि जिस तरह से अटल जी की सरकार ने सोनिया गांधी के साथ समझौता किया था, उस तरह का समझौता कई बार फ्लोर मैनेजमेंट में करना पड़ता है सरकारें चलाने के लिए। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सोनिया गांधी के साथ या गांधी परिवार के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आने वाले दिनों में यदि इस तरह की नौबत आ जाती है, कहीं कोई समझौता होना पड़ता है, तो हो सकता है कि नेहरू मेमोरियल का फिर से कंट्रोल किन्हीं और लोगों के हाथ में चला जाए। अभी फिलहाल तो यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और राजनाथ सिंह इसके उपाध्यक्ष हैं, ये जो ट्रस्ट है इसका। तो इस तरह से ये बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है कि पंडित नेहरू के निवास को मेमोरियल बनाया गया है। और पंडित नेहरू की यदि हम बात करें तो पंडित नेहरू के बारे में कांग्रेस भी दावा करती है और देश में भी उनके जानने समझने वाले लोग ये कहते हैं कि वो बड़े स्टेट्समैन थे। तो यदि बड़े स्टेट्समैन होने के नाते पंडित नेहरू यदि आज जिंदा होते तो क्या वो इस बात की हामी नहीं भरते कि देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर ये होना चाहिए, मेरे अकेले के नाम पर नहीं होना चाहिए। ये यदि स्टेट्समैन थे तो फिर वो ये करते हैं। तो कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि पंडित नेहरू की उस स्टेट्समैनशिप को ध्यान में रखते हुए, उस लोकतंत्र में उनका जो अटूट विश्वास था जिसको कांग्रेस प्रचारित करती है, उसको यदि ध्यान में रखें तो फिर ये एक्शन जो है ये देर से हुआ है, ये पहले हो जाना चाहिए था। इस तरह के जितनी भी इमारतें हैं जिनके ऊपर किसी परिवार विशेष का कोई कब्जा है या उनकी अधीन एक अधिष्ठात्री स्थिति है, तो वो इस तरह के 75-76 साल की आज़ादी के बाद देश में हमें संदेश ये देना चाहिए कि ये बपौती का सब्जेक्ट नहीं है, देश की संपदाएं देश के नागरिकों की संपदाएं हैं। देश के नागरिक किस तरह से सोचते हैं उसमें परिवार का जो एक अहम रोल दिखा दिया जाता है प्रथम परिवार का, वो थोड़ा जनता के पछता नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि अब तक जिस तरह की वोट बैंक की गणित कांग्रेस ने बिछाई थी और जिस तरह का एक जाल संजाल बुना था, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसकी बात करना, उसका फिर वोट को अट्रैक्ट करना, तो उसमें सरकारें तो बन गई कांग्रेस की, लेकिन धीरे 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 करके जनता के समझ में आने लग गया कि ये इस तरह के नारे लगाकर और फिर ये जो एक रॉयल हेरिटेज बन गई है, एक डायनेस्ट बन गया है ये परिवार, तो फिर इसमें सुधार की जरूरत है। इसलिए जनता ने फिर धीरे धीरे, आप देख लीजिए आज की तारीख में यदि हम बात करें तो ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, कहीं कहीं तो अता पता ही नहीं है कांग्रेस का। और दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली में भी दोनों बार ही गठजोड़ की सरकार ही बनी, कांग्रेस की अकेली की सरकार बनी नहीं। 9 साल से 9.5 साल से ये स्थितियाँ चली रही हैं, आगे भी 2024 में भी जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह के सर्वेक्षण आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस को उम्मीद कम है। तो ऐसे में ये जो परिवार का नाम चस्पा करने की जो बात है, इससे थोड़ा दूरी बनाई जानी चाहिए। इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस तो यही कहता है कि तुष्टिकरण से दूरी बनाई जानी चाहिए, भ्रष्टाचार के जितने मामले कांग्रेस की नीत सरकारों में रहे उनसे दूरी बनाई जानी चाहिए। और तुष्टिकरण से मतलब हमारा साफ है कि मजहब विशेष को लेकर जिस तरह की बात कांग्रेस करती आई है उससे थोड़ा सा दूरी बनाई जानी चाहिए। और ये जो वंशवाद है इससे भी अब टाइम आ गया है कि कांग्रेस को अपने थिंक टैंक्स को बदलना चाहिए और उन लोगों को लाना चाहिए जिनकी रीढ़ की हड्डी में दम हो, जो सही बात को सही बात कह सकें और कांग्रेस को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि देश में विपक्ष की महती जरूरत है। तो ये मामला था नेहरू मेमोरियल का नाम अब प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया गया है। दूसरी खबर हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ये जो गुलाम नबी आजाद का बयान है, पहले एक बार बयान सुन लीजिए आप, उसके बाद में फिर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ पर वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20,
वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, पाकिस्तान तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। आज की मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे से कहूंगा कि आज इस 9 अगस्त की अहमियत को देखकर हमने हिंदू मुसलमान मिलके राजपूत ब्राह्मण दलित कश्मीरी गुज्जर मिलके सबने इस घर को बनाना। ये हमारा घर, यहां कोई बाहर से नहीं आया, यही इसी मिट्टी की पैदावार, इसी मिट्टी में खत्म होगा। मैं पार्लियामेंट में बोला, बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती, हमारे बीजेपी की किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कह रुको, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, पाकिस्तान तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। आज की मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600? ये वीडियो जो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, ये बात अलग है कि पुराना वीडियो है और कितना पुष्ट है, कितना ऑथेंटिक है। अभी हम इसके बारे में कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो को आपने देखा है, वीडियो कोई फैब्रिकेटेड नहीं लग रहा है। और गुलाम नबी आज़ाद की ये जो बातें हैं, ये बातें सहज बातें लग रही हैं। दरअसल हुआ ये कि 9 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें डोडा जिले के दौरे के ऊपर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद अपनी मेल मिलाप करने गए थे, वो अपनी पार्टी के प्रचार में भी लगे हुए हैं। और वैसे देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद ने जब से कांग्रेस छोड़ी है तब से उनके सुर भी बदले हुए हैं, वो देश की मुख्यधारा के साथ में विचार विमर्श जो है उसमें भी लगे हुए हैं। तो जो विमर्श है उसमें बहुत बदलाव है गुलाम नबी आज़ाद। वैसे भी गुलाम नबी आज़ाद के बारे में यदि हम देखें तो इनका शुरू से कांग्रेस में भी और व्यक्तिगत तौर पर भी हम कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद से हमारा भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो वो उस तरह के कट्टर मुस्लिम नोयत के उस नेचर के व्यक्ति नहीं रहे हैं। बात जब भी करते थे तो भारत के बारे में, भारत की डेमोक्रेसी के बारे में उस तरह से बात करते थे, और कभी खुद को उन्होंने एज ए जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव जो इस्लामिक जो मान्यता है उसमें नहीं ढाला कभी, और थोड़ा ब्रॉडर आस्पेक्ट लेकर चलने वाले व्यक्ति रहे हैं अभी तक, और काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं। कांग्रेस में यदि ग्रास रूट लेवल पर काम की बात आए तो ये जितने भी कांग्रेस के बाकी लीडर्स हैं ये कहीं पासंग में भी नहीं थे गुलाम नबी आज़ाद के, वो इन डिटेल बात करते हैं और नेटिग्रिटीज़ की तरफ ध्यान है उनका। जैसे कोई ग्राउंड लेवल का वर्कर काम करता है वैसे काम करते हैं, ऐसे नहीं कि VIP सिंड्रोम में जाकर बैठ गए और खुद ही बोझ बन गए एक तरह से, दूसरों के ऊपर दूसरे प्रोटोकॉल निभा रहे हैं और आप उनके ऊपर सवार हो गए, ऐसे नहीं। गुलाम नबी आज़ाद ने नीचे से उठकर अपनी राजनीति की शुरुआत की, तो बाद में जब वो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रहे और किसी ज़माने में सोनिया गांधी के राइट हैंड मैन थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, उस ज़माने में भी गुलाम नबी आज़ाद के चेहरे पर उस तरह की कोई शिकन या उस तरह का कोई ईगो नहीं थी जिसमें वो ये महसूस कराएं कि साहब मैं तो साला साहब बन गया, ऐसा गुलाम नबी आज़ाद के उसमें नहीं था, उनके नेचर में नहीं था। लेकिन अब फिलहाल जो चूँकि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि इस तरह की बात कहकर वो एक जिस तरह जम्मू कश्मीर का माहौल बदलता जा रहा है और अब उनके पास में कोई कांग्रेस जैसी जनाधार वाली पार्टी नहीं, उस जमाने में कांग्रेस जनाधार वाली पार्टी थी जम्मू कश्मीर में, और देश में भी यदि हम बात करें तो जनाधार था कांग्रेस का, तो कांग्रेस के नेताओं को उतनी दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब गुलाम नबी आज़ाद को हो सकता है कि हिंदुओं की बात करना, अब जैसे आपने देखा कि सभी जातियों का नाम उन्होंने लिया और कश्मीरी पंडितों की बात की, पूरी खुले तौर पर उन्होंने कहा कि इस्लाम तो अभी आया है नया नया और 1400-1500 साल पुराना है, हिंदू सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, जम्मू कश्मीर में तो 600 साल पहले ही मुसलमान आए हैं, उससे पहले तो मुसलमान थे ही नहीं। और उनका ये भी कहना था कि ज़्यादातर जो कन्वर्ट हुए हैं वो भारत के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, वहाँ से तो कुछ चुनिंदा लोग आए थे। तो इस तरह की बात करके गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो भारत के उस
फैब्रिक की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि सनातनी फैब्रिक है। भारत में रहने वाले जो लोग हैं हो सकता है कन्वर्ट हो गए हों, किसी वजह से हो गए हों, डर से हो गए हों, लालच से हो गए हों, या कि और भी कई वजह हैं, मेल मिलाप से भी हो जाते हैं, घर का एक सदस्य हो गया तो दूसरा भी हो गया, कुछ और चीज़ें भी हैं जुड़ी हुई, खान पान की वजह से भी हो गए कई लोग, कई लोग समाज में मुख्य समाज की धारा में कहीं प्रताड़ित रहे हों उन्होंने जाके कर लिया, तो कई तरह की बातें हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना तो बिल्कुल सही बात है कि भाई जम्मू कश्मीर में 600 साल पहले कोई इस्लाम का नाम लेवा भी नहीं था। तो इस तरह की बात करके गुलाम नबी आज़ाद ने ये वीडियो, यदि कोई ज़्यादा पुराना भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात का कि अभी कहा है या कभी कहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जो बात कही गई है वो इम्पोर्टेंट है। और भारत के नेता यदि इस तरह की बातें करने लग जाएं तो फिर ये जो वैमनस्यता है, ये जो हम वहाँ से आए थे हम यहाँ के नहीं हैं, ये जो सोच है, गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत क्लियर कट कहा है कि भाई इसी मिट्टी में जन्मे हो, इसी मिट्टी में मिल जाना है, तो दूसरी जगह क्या देखना है। लेकिन भारत में चूंकि ये वहाबी मूवमेंट चलाया गया, पाकिस्तान इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, पाकिस्तान एक एपिसेंटर बन गया, एक तरह का मरकज बन गया कि भारत के जो मुसलमान हैं उनको कट्टर बनाए रखो, आग लगाए रखो, क्योंकि कब्जा करना है। मूल उद्देश्य था कि भारत के ऊपर वापस से कब्जा करना है, इसके लिए आग लगाई गई। नहीं तो जब अंग्रेज रह रहा था तब तो ये सारे मुसलमान डर के मारे हिंदुओं के साथ रहते थे कि भाई इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, हम आपके साथ लग जाएंगे। हालांकि कोई खुले तौर पर नहीं आया, फ्रीडम स्ट्रगल में भी यदि हम मौलाना बात करें तो मौलाना साहब भी फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं आए, वो अपनी टर्की की खिलाफत के उसमें आए थे जोड़ तोड़ में, वो तो उस समय भारत में थे भी नहीं, उनको लगा भारत में ये काम हो सकता है अंग्रेज का या पांचा करने के लिए, आ गए यहाँ तो टर्की के खलीफा को वापस से बहाल करो, इस डिमांड के तहत गांधी जी से उन्होंने हाथ मिलाया था। गांधी जी को भी लगा कि चलो इस बहाने ही मुसलमान देश का साथ आ जाएगा, अदरवाइज तो मुसलमान तो नवाबी में लगा हुआ था, तवायफ नच रही थी, रक्स हो रहे थे जो कि इस्लाम में हराम है, हराम चीज कर रहे थे सारे नवाब और नवाबों के कारिंदे। और बात तक आपने हिंदी फिल्मों में देखा है, पाकीजा उमराव जान बनाने वाले ये सारे वही लोग हैं, तो इस्लाम में जितने भी हराम चीजें हैं वो सारी ये कर रहे थे, और अंग्रेज ने इनको बहुत बुरी तरह से पीट रखा था। 1857 के बाद दिल्ली से लगाकर ऊपर आप चले जाइए पूरा मेरठ तक, बरेली बरेली मेरठ वगैरह सब, मुरादाबाद ये जितने भी थे, मोदीनगर वगैरह सब में इनकी पिटाई हुई, इनकी लाशों को टांगा गया दिखाने के लिए कि अंग्रेज की यदि मुखालफत तुम करोगे यह हश्र तुम्हारा होने वाला है। तो डरे हुए थे मुसलमान, बट ये जरूर है कि वो उसमें लगे पड़े थे, आते छूट नहीं रही थी। सिराजुद्दौला का आपको पता ही है किस्सा, नवाबों की क्या स्थिति थी, इतने आराम तलब थे, इतने अय्याश थे कि इनसे कुछ हो नहीं रहा था। हिंदुओं में एक चेतना थी, हिंदू एक नई नवचेतना के साथ था कि अब कैसे भी करके गुलामी की जंजीरों से हमको आगे निकलना है। ये जो आक्रांता आए थे और इनके जो ये चेले चांटियाँ बन गए हैं लालच में, इनको भी अब दूर करना है। तो इसीलिए फिर ये जो भी अंग्रेज़ों की शर्त थी, ब्रिटिश हुकूमत की शर्तें थी, वो हमारे इन लोगों ने मानी भी। लेकिन कुल मिलाकर गुलाम नबी आज़ाद जो कह रहे हैं उस बात में पूरा दम है कि भाई यहीं के लोग हो, उधर देखने की जरूरत नहीं है, कहीं और देखने से क्या फ़ायदा है। लेकिन आप हम जानते हैं कि यहाँ पर शेरवानी नाम लिख लिया, सरनेम लिख लिया तो वो कहते हैं हम तो यहाँ के ही नहीं, बहुत सारे लोग मिलते हैं हम आपको डे टू डे लाइफ में मिल जाते हैं, साहब हम तो अफगानिस्तान से आए हैं, हम तो बुखारा से आए हुए हैं, और कई तो इतनी झूठ बोलते हैं जो सामने पकड़े जाते हैं, तो वो शेख सैयद और कई तरह के सरनेम लिखकर अपने आप को वहाँ से जोड़ते हैं कि हम तो अरब से आए थे साहब, सैयद हैं। अब इनको कोई पूछे कि अरब से जब आए थे जब तो खदेड़ दिए गए थे, उसके बाद तो अरब से कोई आया नहीं, बाद में तो जो आए वो अफगानिस्तान से, या बाद में मुगल आए तो समरकंद से आए, सेंट्रल एशिया से आए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि गुलाम नबी आज़ाद यहाँ बहुत सत्य निष्ठा के साथ सच्ची बात कर रहे हैं, और इस बात के ऊपर यदि भारत का मुसलमान सोचने लग जाए तो ये जो बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए एनलाइटनमेंट जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है, ये नहीं कि मस्जिद में मौलाना की तकरीर सुन ली और बहुत चढ़ गए धावा बोल दिया, तो वो तो आपकी जहालत का मामला है जिससे इस्लाम लड़ने के लिए कहता है। यदि प्रॉफेट की शिक्षा कोई मानता है
तो प्रॉफिट तो कहा करते हैं ना कि जहालत से बाहर आओ। जहालत क्या है? जहालत दूर करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन भी जाओ, तालीम लो। तो गुलाम नबी आजाद जैसे जो लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं, दानिशमंद हैं, आप क्यों नहीं बनते दानिशमंद? क्यों इन मुल्ला मौलवियों के चक्कर में आए हुए हैं? नीम, पूरा का पूरा मामला नीम। नीम हकीम तो खतरा है जान, और नीम मुल्ला तो खतरा है ईमान। ये नीम मुल्ले हैं सारे, ये आपके ईमान को खतरे में डाले हुए हैं। असली ईमान पे आओ। गुलाम नबी आजाद जैसे जो लोग हैं वो सही तरफ इशारा कर रहे हैं, समय की जरूरत के हिसाब से बात कर रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जो उस समय पर होती हैं, बाद में नहीं होती हैं। रिफॉर्म्स होते हैं, तो रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। तो गुलाम नबी आजाद का ये वीडियो, एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का, जिसमें कि वो कुछ कह रहे हैं। पहले आप सुन लीजिए। बापू जय सियाराम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ramkatha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. Suna aapne? Ye hain British PM Rishi Sunak. Do din pehle, Bharatiya Swadhinata Divas ke कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडियन डायस्पोरा ने मुरारी बापू, जो हमारे यहाँ राम कथा करते हैं, रामायण कथा करते हैं, रामचरितमानस की कथा करते हैं, रामायण की कथा नहीं करते हैं, गोस्वामी तुलसीकृत रामचरितमानस की कथा करते हैं। रामचरितमानस में और रामायण में एक फर्क है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी श्रद्धा के लिए, अपने इष्ट के लिए लिखी। वो वहाँ भगवान कहते हैं राम को। वाल्मीकि रामायण जो है उसमें भगवान राम जो है वो एक इतिहास पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वाल्मीकि रामायण में भगवान को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं है। एक बड़ा ग्रेट कैरेक्टर, हिस्टोरिकल कैरेक्टर, इसमें कोई बनावट नहीं। जिसको कोई माइथोलॉजी कहना चाहे तो वो नहीं कह सकता। गोस्वामी जी के हिसाब से वो माइथोलॉजी में जा सकता है। रामायण पूरा का पूरा जो ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। हिस्ट्री है टोटल, श्रद्धा कम हिस्ट्री ज्यादा, तो ये फर्क है। वो थोड़ा सा हम आपके लिए, लेकिन मुरारी बापू की इस राम कथा में ऋषि सुनक पहुंचे, जो कहा वो आपके सामने। यहां हम रेखांकित ये करना चाहते हैं कि जो सूडो सनातनी है, जो सूडो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू कहने और सनातनी कहने में शर्माते हैं, छिपते घूमते हैं, पहचान में अपनी लाना नहीं चाहते कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, उनके लिए ऋषि सुनक ने एक जबरदस्त लेसन दिया है कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद मैं पहले एक हिंदू हूं। यह घोषणा ब्रिटेन की धरती के ऊपर क्रिश्चियन डोमिनेंस के अंदर, जहां रॉयल चर्च ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटिश मोनार्की दोनों ब्रिटिश पीएम के ऊपर अंकुश लगाती रहती है, और मोनार्की का जो खाना है वो रॉयल चर्च ऑफ इंग्लैंड की पवित्रता के साथ खाना होता है, उस देश में ये कहना कि मैं हिंदू हूं, ये उन सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, चाहे वो अमेरिका में रहते हों इंडियन डायस्पोरा के लोग, या चाहे यूरोप में रहते हों, या चाहे भारत में रहते हों, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस जो किन्हीं किन्हीं पार्टीज में ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हम हिंदू हैं, किन्हीं किन्हीं पार्टियों में इस बात का एम्बार्गो है, किन्हीं किन्हीं पार्टियों में इस बात के लिए एक तरह का अघोषित पर्दा है, उन सब के लिए एक जबरदस्त तमाचा भी है, सीख भी है, प्रेरणा भी है, और आगे के लिए मार्ग प्रशस्तीकरण भी है। ये ऋषि सुनक का बयान, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं इस वक्त इस बयान की, और ऋषि सुनक अचानक से पूरे भारतीय जन समुदाय में एक हीरो की तरह सामने आए। तो आपने सुना, यह था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।